नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, मैं होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे पापा के साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे पापा के एक प्रोग्राम के अंदर। तो पापा हम कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बताइए लोगों को। आज मेरे बचपन के स्कूल सैनिक स्कूल के जो साथी जो ऑफिसर्स देश की सेवा में शहीद हुए हैं आर्मी में और दूसरे पैरामिलिट्री के अंदर, उनकी मेमोरी में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने एक विशाल ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, उसमें मैं जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पापा, इतना बढ़िया हम ब्लड डोनेशन कैंप को अटेंड करेंगे। तो वहां पे आप भी ब्लड डोनेट करने वाले हैं क्या? हाँ, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा चेकअप के बाद में कि मैं ब्लड दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ब्लड रेगुलर देता रहता हूँ। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पापा नेकी का काम करते रहते हैं, और मैं और मेरे दोस्त भी अब सोच रहे हैं कि हम लोग भी रेगुलर ब्लड डोनेशन चालू करें मेरे पापा की तरह। मैं मेरे पापा के लक्ष्य कदम पे चलना चाहता हूँ पापा, ये अच्छे काम करने चाहिए ना इंसान को। निश्चित तौर पे रक्तदान से बड़ा महादान कोई सा भी नहीं। तो चलो पापा फिर तुरंत निकलते हैं अपन लोग, ज्यादा लेट नहीं होते हैं। हमारे साथ में दर्शन भी है, दीपांश भी है, और मेरे पापा तो चलो आएंगे। तो पापा हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं क्योंकि आपको दिल्ली निकलना है इसके बाद। बिल्कुल, तो चलो फिर चलते हैं अपन लोग। बंसीवा जो है यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अच्छे काम करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इससे कैसी मुस्कुराहट दे रहे हैं ये सब लोगों को। बहुत खून बह गया आपके तो भाई, ब्लड खूब है तो ब्लड भरा हुआ है मेरे में। अच्छा, तो किसी काम आ सकता है? हाँ ये बात बहुत अच्छी बात है आपने, काम तो किसी भी आ सकता है। जब भी कोई खून लेता है किसी का, देखता नहीं ना धर्म ना जात, यही सोच के मैं ब्लड दे रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा खून किसके काम आए? बार द्वाज पुसे पेंदर सब ने लागे प्यारो, पूरी सांगा नेर बोले चे जिंदाबाद को नारो रे जिंदाबाद को ना। तो बंसिया खून दान करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, चाहूंगी मेरा खून किसी के काम आए। किसी के काम आए, वैसे भी आप किसी के काम तो आते नहीं हो। खून तो आए कम से कम, मैं नहीं आया तो खून तो आएगा मेरा। आपको बैंडेज क्यों लगाएगा ये? कि ब्लड वेस्टेज नहीं जाए, बाहर नहीं निकले। आपका ब्लड कैसे भरा जाता है भाई? भरा हुआ तो निकल जाएगा कहीं पिचकारी। पतला खून है, गाढ़ा खून नहीं है। गाढ़ा गाढ़ा पिचकारी, यहाँ से पिचकारी निकलती तो। आप कॉफी पिला दीजिए। कॉफी भी पी रहे हो आप भाई? ब्लड देने के बाद कॉफी पीनी चाहिए। अभी जब भैया देना है तब तो मना कर दिया आपने। नो कमेंट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बंसिया कितने अश्लील प्रकार के आदमी है। इनने कॉफी एक भैया देने आए थे तब तो नहीं ली, और फिर किसके हाथ से लिए आपने खुद देख लिया है। बंसिया यहाँ पे रक्त दान करने आए, यहाँ पे भी इनके विचार अच्छे नहीं है। गलत बात बंसिया, विचार कैसे भी हो कर्म अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये बात में सही है। मुझे अभी कॉफी की पी रहे हो आप? गर्माहट चाहिए मेरी बॉडी को। गंदी बात कर रहे हैं। बार द्वाज पुस पेंद्र जी ने आगे बढ़ावो, कॉलेज स्कूल खुलवा दी, बालक खूब पढ़ाओ रे बालक खूब पढ़ाओ। दोस्तों आपने देखा हमने कितने बढ़िया तरह से इस ब्लड डोनेशन कैंप को अटेंड किया। हमारे प्यारे बंसी चौधरी ने भी आज रक्त दान दिया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीज अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते तो आपका ब्लड भी प्योरीफाई हो जाता है, तो फिर ये मैंने खुद ने क्यों नहीं किया और मेरे पापा ने क्यों नहीं किया? देखो मेरे पापा ने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत रेगुलरली करते रहते हैं, तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में आपको देना होता है कि मतलब आपने अभी ब्लड दिया है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना है, फिर आप वापस दे सकते हैं। तो पापा ने अभी पहले थोड़े दिन पहले ही दिया था, तो इसलिए आज पापा ने ब्लड डोनेट नहीं किया है। और मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। दोस्तों क्या है, मैं फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहा था तो मेरे को थोड़ा डर लग गया, तो इसलिए मैंने आज नहीं दिया। दर्शन ने क्या ब्लड डोनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पैर में लग रही है। आप लोग देख सकते हैं पिछले व्लॉग में काफी लोगों का कमेंट भी आया था कि दर्शन पैर में कैसे लगी। दर्शन कैसे लगी? ये बंसी चौधरी नमन चौधरी की प्लानिंग थी मुझे मारने की। इन लोगों ने मिलकर इसे इंजर्ड कर दिया। पहुंच गए। अच्छा पहुंच गए। संकट में सबके साथ खड़ा, हक के लिए जो सदा लड़ा, जिसकी अपनी एक हस्ती है, लगन सेवा की मस्ती है। प्लीज वेलकम मिस्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में युवा नेता उपस्थित है। नहीं कोई अब अनजान है, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो सांगानेर की शान है। आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और राजस्थान का नाम। तो पापा
पापा आगे का क्या प्लान है ये बताइए। अब मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से सीधा दिल्ली। अच्छा, और तुम लोग ऑफिस जाके वो लिस्ट फाइनल करके मुझे तुरंत लिस्ट फाइनल करके तुरंत ही भेज देंगे। अभी हम तुरंत यहाँ से वैसे एक बार खाना वाना खा ली, उससे ऑफिस ही निकल रहे हैं। अच्छे से खाना खाओ, लेकिन काम में कोई कोताही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अभी आप निकल रहे होगे? बिल्कुल, मैं और मामा तुरंत जा रहे हैं। ठीक है, मैं खाना वाना खा के फिर मैं भी निकलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, अभी पापा को इन्वाइट किया गया था यहाँ पे एक चैनल की रीलॉन्चिंग के लिए, तो काफी मजा आया इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम की खास बात हमें क्या लगी आपको दर्शन बताएगा? इस प्रोग्राम का बहुत स्वादिष्ट खाना टेस्टी पाव भाजी भी, पाव भाजी मजा ही आ गया यार। बंसिया, मैं सुबह से कुछ नहीं खा के निकला था और यहाँ पे जो है खाना इतना केड़ा खाना था, उनसे मजा ही आ गया। और अब मैं आपको बताता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसा पापा ने आपके सामने बोला ही था कि हम लोगों को लिस्ट फाइनल करके पापा को भेजनी है दिल्ली, तो अभी हम लोग तुरंत जा रहे हैं मेरे पापा के ऑफिस, वहाँ जाने का लिस्ट फाइनल करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए मेरे पापा के ऑफिस और यहाँ पे हमारी ई मित्र सेवा चालू हो रखी है। आप लोगों को दिखाते हैं इसको कैसे यूज करना है, वो भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। ये जो अपना भाई है 19 साल का हो चुका है, इसने आज तक अपनी वोटर आईडी नहीं बनवाई है और ये सांगनेर में ही रहता है। तो भाई, किसको वोट देना है अगली बार? पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को। ठीक है, तो फिर आप पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को वोट देंगे। तो फिर आप लोग यहाँ पे आ जाइए, ई मित्र सेवा से जो है आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाइए। अगर आपने अपना घर चेंज कर लिया है तो अपनी वोटर आईडी में अपना एड्रेस अपडेट करिए। हाँ, तो आप ये सब कर सकते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप दूसरी पार्टी के भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे हर किसी का बनता है। ठीक है, ये सेवा एकदम निःशुल्क है और ये सब लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और कहीं का भी हो। तो दोस्तों, ये है हमारी निशुल्क ई मित्र सेवा, ठीक है, जिसको संभालते हैं ये भैया अपने। और आज जो है भैया से हम करवाने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट काम। तो भैया, ये जो अपना भाई है ये हो चुका है 19 साल का और इसका बनने वाला है वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, ये अपने सांगनेर का है और अपना ही वोटर है, तो आज इसका आईडी कार्ड बनाया जाएगा। और आप यहाँ पे बताइए कि अपन लोग इतने अच्छे लोग हैं कि यहाँ पे चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कहीं का भी हो, हर किसी को जो है निशुल्क सेवा देते हैं। उनका वोटर आईडी कार्ड ही बनवाते हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। बताइए भैया। जी, भारद्वाज साहब ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे लोगों को दे रखी है, जो भी आता है यहाँ पे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज का आभार व्यक्त करके जाता है। प्रयास किया बड़ा खत्म हो जाएगा गेम, जरा दस लेगा वो पागल कर देंगे। हाथ लगाएगा कान में, हाथ लगाएगा दोस्तों। सचिन भैया करेंगे, लाओ सचिन भैया करो, करो ना आप करो, करो अभी विधानसभा चुनाव जीतना है, मत करो। अरे चुनाव तो जीत रहेंगे, आप करो, इलेक्शन जीतेंगे आप। सचिन ज्यादा मजे मारोगे, पकड़ के ऐसे ऐसे कर दे सचिन भैया, पकड़ के ऐसे ऐसे कर दे। आज आपकी तरफ से दूध ही पिलाऊंगा नाग बाबा। बिल्कुल, आप दूध पिलाना, आप तो ये दुआ करो। आप जानते हो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को? मैं उनको तो नहीं जानता हूँ, उनके नाम से वाकिफ हूँ। अच्छा, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। आप अच्छा? तो बस ये पूजा करो कि इस बार जीत जाए इलेक्शन, मेरी तो दुआ ही है। तो दोस्तों, जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया है, आज नाग बाबा को मेरे ही नाम का दूध पिलाएंगे और साथ ही साथ हमको बहुत ज्यादा दुआ मिलेगी इनकी तरफ से, ताकि हम लोग इलेक्शन को आसानी से जीत पाए। और जो है मेरे पापा ने एक मैसेज भिजवाया दिल्ली से, वो भी सचिन भैया के थ्रू, और वो क्या मैसेज है वो हम पापा को ही फोन करके पूछेंगे। मेरे को सचिन भैया पे यकीन नहीं है। चलो एक बार पापा से बात करते हैं। हाँ बा, तीन प्रोग्राम तेरे को आज अटेंड करने हैं। बिल्कुल, अब आप टेंशन मत लो, आपके पीछे सारा काम हो जाएगा, है ना। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, मेरे पापा ने मेरे को पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम सौंपे हैं और भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे पापा की अनुपस्थिति के अंदर इन सारे प्रोग्रामों में जाके अपनी हाजिरी लगाऊं और मेरे पापा की कमी महसूस ना होने दूं। दर्शन सुन मेरी बात। या? मैं कह रहा हूँ कि अभी पापा का फोन आया मेरे पास में, अपने को तुरंत ही निकलना पड़ेगा खोले के हनुमान जी। अभी निकलना पड़ेगा? हाँ, साथ की साथ बिना नहाए धोए जाना पड़ेगा, जा ही सकते ना। तो फिर चलो मेरे घर जल्दी से नहा धो लेते हैं, तुरंत ही खड़े हो जा, तुरंत ही खड़े हो जा। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा मित्रगण यहाँ पे मौजूद हो चुका है, हमारे सारे दोस्त गाड़ी में बैठे हैं, श्रेयांश भी आ गए हैं। चलो इससे ही मिलते हैं अब। वोट दे वासु पहली पब्लिक सब ने छाने चे, अरे बच्चों बच्चों गली गली। दोस्तों, आप सोचते होंगे इतनी सारी ट्रॉफी आती कहां से। तो दोस्तों, आज जो अपन को मिले ये तो थे मोमेंटो, जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट बनते हो तभी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे ट्रॉफी वगैरह भी है, वो आपको तब मिलती है जब आप किसी चीज के अंदर जीतते हो। जैसे आपको पता ही है मेरे पापा अपने स्कूल टाइम में जो है स्पोर्ट्समैन रहे हैं बहुत अच्छे, और ये तो सिर्फ आधे ही हैं, इनमें से आधे से ज्यादा अपन ने जो है अलमारी के अंदर रख रखे हैं, और बाकी के आपको पता ही है मेरे पापा के बर्थडे पे हमने ऑक्शन कर दिए थे और ऑक्शन से जो पैसा आया था वो सारा अपन ने गौ सेवा के अंदर लगाया था। तो देख सकते हैं आप लोग, आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख ही लिया है। तो अभी मैं और दर्शन तुरंत रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में अपन लोग निकलेंगे हमारी पहली स्वामिनी के लिए। पहली स्वामिनी अपने दो दो स्वामिनी में जाना है आज है। हाँ भाई लोग, आप भी चल रहे हो क्या वहाँ पे? क्या होगा आज?
जीमना जीमने जा रहे हैं हम लोग, और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है प्रोग्राम के लिए निकलने का, मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरे सारे दोस्त रेडी हो चुके हैं, और अब अपन लोग जाएंगे दो गाड़ियों में बैठ के सारे भाई आगे, अपने को शायद तक बल्लू और आयन भी ज्वाइन कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम में। भारद्वाज पुष्पेंद्र सब न लागे प्यारो, अरे पूरी सांगा नेर बोले चे जिंदाबाद को नारो, जिंदाबाद को नारो। भारद्वाज पुष्पेंद्र सब न लागे चे प्यारो, रे पूरी सांगा नेर बोले चे जिंदाबाद को नारो, जिंदाबाद को नारो। दर्शन भाई क्या हो गया? अबे किस किस दर्शन भाई तो दोस्तों जैसा आपने अभी देखा, हमने पहला प्रोग्राम अटेंड कर लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे हमारे दोनों भाई सो चुके हैं, ये तीसरा भाई जगा हुआ है। भाई तुम भी सो जाओ यार, सब सो गए तो अभी सोएंगे भाई थोड़ी देर में, ये वाला प्रोग्राम और अटेंड कर ले फिर सोते हैं। अच्छा अच्छा, अभी हम लोगों को एक और प्रोग्राम में जाना है इसके बाद में, तो अभी पहले इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उसके बाद में उसके अगले प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। मंत्री जी गाड़ी आ रही है, मंत्री जी साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। सांगा नेर की जनता जी की ममता भर दियो, अरे पुष्पेंद्र बना बनिया विधायक खूब विकास कर दियो, खूब विकास कर दियो। सांगा नेर के जनता जी के ममता भर दियो। दोस्तों जैसा आपने देखा, हमने अभी भी बहुत बढ़िया तरह से इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, यहाँ शादी में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा उन अंकल से मिलके, और अब हम लोग जा रहे हैं एक भजन संध्या के अंदर, और वो भी है हमारी टोंक रोड पे ही, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो तुरंत मैं और मेरा मित्रगण वहाँ पे पहुंचेगा और आप लोगों को वहाँ की क्लिप्स दिखाएगा। तो मेरे दोस्त क्या तू भक्ति में लीन होने के लिए तैयार है? हमेशा से। तो मेरे सारे दोस्त बोलो जय श्री राम। यार दोस्तों आज मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्यों बताना नहीं चाहता, दिखाना चाहता हूँ। एक बार ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैसेज मेरे को मेरे पापा ने भेजा है जब मैंने उनको प्रोग्राम की फोटोज भेजी, तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस फीलिंग के बारे में, जरूर से कमेंट में अपनी राय दें, और मेरे पापा के लिए भी कुछ ना कुछ लिख के जरूर से जाएं कि आपको कैसे व्यक्ति लगते हैं। तो दर्शन भाई तेरे को आज कैसा लगा, अपन लोगों ने मेरी पापा की जो है इतनी मदद करी, इतना काम किया, मतलब कैसा फील हो रहा है तेरे को आज? सच बता। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है, लग रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। यस यस, नारेबाजी रैली निकालना ये सब अपनी जगह है, लेकिन आज जो अपन लोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है दर्शन। जन जन का स्वाभिमान है, जन सेवक ही पहचान है, है पुष्पेंद्र वो भारद्वाज, वो सांगानेर की शान है, वो सांगानेर की शान है। भाई मेरे युवा नेताओं कैसा लगा आज का प्रोग्राम? भाई बहुत तगड़ा, फुल भोकाल मचा दिया आज तो मेरे मित्रों ने मिलके। भाई सबसे थोड़ा सा वाला सीन था, वो छोड़ा था ना एक वो शायद से कटिंग वाला, हाँ चलने लग गया भोकाल भोकाल। क्या हो रहा है भाई, भजन कीर्तन चल रहे हैं आगे पीछे भोकाल चल रहे नहीं नहीं दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सारे प्रोग्राम अच्छे रहे, लेकिन ये वाला थोड़ा स्पेशल था। यहाँ पे हमको काफी सारे हमारे जो है सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, मतलब मेरे दिल से जुड़े हुए लोग थे वो सारे, मुझे इतना अच्छा लगा उन सबसे मिलके, आज जो है बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जाने का मौका मेरे को इसी चक्कर में मिल पाया क्योंकि आज मेरे पापा दिल्ली निकल गए थे, अब तो मैं भगवान से ये आशा करूंगा मेरे पापा रोज ही दिल्ली चले जाए और हमें रोज रोज ऐसे अच्छे प्रोग्राम में जाने का मौका मिले।
तो आज का तो बहुत अच्छा दिन बीता हमारा, और अब हमारे दिन ऐसे ही बीतेंगे जल्दी, क्योंकि अब आने वाले हैं इलेक्शंस और रोज रोज हमको नए नए प्रोग्राम से जाना पड़ेगा। तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही केड़े केड़े व्लॉग्स आने वाले हैं इन फ्यूचर।